नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आसानी से बनने वाला सुंदर सा शॉपिंग बैग बनाएंगे, जिसे हम बिना लाइनिंग के कपड़े, फोम सीट, रबर सीट और बुकरम के बनाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला बैग है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े के दो सेम साइज के पीसेस कट किए हैं। विड्थ है इसकी 17 इंच और लेंथ है इसकी 11 इंच। अब इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इधर से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। इसे इस तरह मिलाते हुए गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह खोलेंगे और एक पीस को अलग रख लेंगे। अब देखिए, इस कट के निशान से इस तरफ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह इस कट से इस तरफ भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस तरह पकड़ेंगे इसे, इसे इस कट तक कपड़े को फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से इसे भी पकड़ेंगे, इस निशान को इस तरह, इसे भी इस कट तक लाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने प्लेट्स बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा ली है। इसी तरह इसे भी तैयार कर लिया है। अब इन्हें एक साइड रखेंगे। अब एक खाली शॉपिंग बैग लेंगे। अब एक कपड़ा लेंगे, इस तरह रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसके बराबर कट कर लेंगे इसे। इसे अलग रखेंगे। ये देखिए, एक साथ हमारे दो पीस कट हो गए हैं। एक पीस अलग रखेंगे, इसे रखेंगे इस तरह, इसे इसके ऊपर रखेंगे फिर से। देखिए इस तरह बराबर। अब देखिए, इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे हम यहाँ से घुमाते हुए इस तरह यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरा पीस लेंगे, इसे भी इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। देखिए इस तरह बराबर। और इसके भी चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर इन दोनों पीसेस को भी जोड़ लेंगे। देखिए, दोनों पीसेस में हमने चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। देखिए, अब एक पीस को अलग रखेंगे, इसे लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे, यहाँ से नापेंगे इस तरह से। यह है 11 इंच। अब दूसरे कपड़े में से सेम साइज के दो पीस मैंने और कट किए हैं। विड्थ है इसकी 11 इंच और लेंथ है इसकी 6.5 इंच। अब इसे भी सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब देखिए, ओपन साइड से इस तरह इंच पर रखेंगे, अंदर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस इंची टेप को रखेंगे, नीचे की तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक इसे गुलाई दे देंगे। अब बंद साइड से हम इंची टेप को फिर से रखेंगे, यहाँ पे हम 2 इंच में निशान लगाएंगे। अब इंच टेप को फिर से रखेंगे, यहाँ पे भी एक 3 इंच में नीचे निशान लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसमें भी गोलाई दे देंगे। अब इन्हें कट कर लेंगे। इसे भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, अब इसे अलग रखेंगे। अब देखिए, सेम साइज के दो कपड़े के पीस मैंने और कट किए हैं। लेंथ है इसकी 19 इंच और विड्थ है इसकी 4 इंच। अब इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, अब सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे तैयार कर लेंगे। इस तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए, दोनों पट्टियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब इसे एक साइड रखेंगे, इन्हें लेंगे इस तरह से। अब एक पट्टी लेंगे। अब इस पट्टी को इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरह। पट्टी का दूसरा सिर लेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। दूसरी पट्टी लेंगे, इसे भी सेंटर में रखेंगे इस तरह से और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, दोनों पीसेज में हमने हैंडल जोड़ दिए हैं। अब इन्हें एक साइड रखेंगे। देखिए, फिर से एक खाली शॉपिंग बैग लेंगे, इस हिस्से को कट कर लेंगे यहाँ से। एक पीस कट कर लिया, इस दूसरे पीस को भी यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए, दो पीस हमने कट कर लिए शॉपिंग बैग में से। इसे इस तरह रखेंगे, इसे लेंगे, इसे इस तरह से सीधा इसके ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से घुमाते हुए किनारे किनारे पे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, इतनी जगह छोड़ देंगे। अब इसे भी इस तरह लेंगे, दूसरा पीस लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से।
इसमें भी हम किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों पीसेज में हमने यहाँ से किनारे किनारे पे घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम चारों तरफ हल्के हल्के कट लगा लेंगे। अब इन्हें इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे। देखिए दोनों पीसेस को हमने सीधा कर लिया है। अब देखिए इसे बंद करते हुए इसके किनारे किनारे पे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी देखिए दोनों पीसेस में हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है इसके चारों तरफ। अब देखिए इसका एक पीस लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। दूसरा पीस लेंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर हमने दोनों पीसेस को जोड़ लिया है इस तरह से। देखिए अब एक पीस लेंगे, इस तरह रखेंगे, दूसरा पीस लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह रखेंगे। अब हम एक सिलाई यहाँ से किनारे किनारे पे घुमाते हुए यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए इसमें हमने यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा कर लेंगे। देखिए बैक को हमने सीधा कर लिया है। ये देखिए काफ़ी स्पेस है इसके अंदर।